कॉल वाला प्यार है, यहाँ किस नहीं, सब कुछ चाहिए, इज्जत भी और धन दौलत भी। जी हाँ, सलमा प्रवीण को मिस कॉल से प्यार हुआ। बाबू साहब की आवाज उसको इतनी प्यारी लगी कि अपना सब कुछ लुटाने को तैयार हो गई। बस क्या था, न आओ देखा न ताओ, दोनों ने रात गवाना उचित न समझा। मिस कॉल से शुरू हुआ प्यार रात में निगाह तक पहुंच गई, पर बात यहीं खत्म नहीं हुई। सुबह उठते ही दोनों कोर्ट पहुंचे। बाबू साहब उर्फ जसीम ने सलमा को कोर्ट मैरिज की बात कही थी, पर ये क्या, वो तो रन छोड़ निकल गया। कोर्ट से 9-2-11 हो गया, वो भी बिना कोर्ट मैरिज के। प्रेमी की बेवफाई की जैसे ही मासुका को पता चला तो वो कोर्ट में ही चक्कर खाकर गिर गई। परिजनों ने उसे अस्पताल पहुंचाया, जहां अभी भी उसका इलाज चल रहा है। उनसे बात करते करते ये संपर्क हुआ, वो उड़ीसा में रहते हैं, सुखा काम करते हैं, उनका नाम है जैसे बुरुख बाबू साहेब, उनका घर लड़न है। और उसके बाद वो उड़ीसा से यहाँ आए और उसके बाद हमसे मुलाकात हुई दो बार, मतलब समस्तीपुर में। उसके बाद बोले कि हम आपसे शादी करना चाहते हैं। हम बोले आप अपने फैमिली वाले से बात कर लीजिए, मेरे हम अपने फैमिली वाले से बात कर लेते। और मेरे फैमिली वाले से वो बात की और बोले वो मेरा मिटन है, मतलब हम देख लेंगे मेरे फैमिली वाले। उसके बाद रात में बारात आई, मतलब बोले मेरे भैया हैं, सब लोग हैं मेरे फैमिली से, सिर्फ बाबा ने ही उनका तबीयत खराब है। तो रात में निकाह हो गई, शादी हो चुकी। और सुबह अभी आए थे हम कोर्ट मैरिज करने के लिए, तो मतलब उनके घर से बहन भाई पता नहीं सब बहनों ये सब 10-15 लोग से आए, उनको पकड़ के खींच करके ले गए और हम चक्कर खा के वहीं पर गिर गए। अभी हम सरकारी हॉस्पिटल में हैं और मेरी ज़िंदगी का सवाल है। और कोई गुड्डा गुड़िया का खेत तो नहीं, कोई शादी कर ले छोड़ दे और हम उनके बिना रह नहीं सकते। मेरे बारे में कुछ सोचो, मेरी ज़िंदगी क्या नाम है? मेरा नाम सलमा। कुछ माह पूर्व सलमा के मोबाइल पर मिस कॉल आया। जब वो कॉल बैक की और सामने वाले से बात की तो उसकी आवाज पर सलमा लट्टू हो गई। सामने वाला व्यक्ति उड़ीसा से जसीम उर्फ बाबू साहब था। दोनों के बीच में प्रेम मोहब्बत की बातें होने लगी। सलमा ने उसे समस्तीपुर आने का ऑफर दिया। इस दौरान दोनों की 2-3 बार मुलाकात भी हुई। जब बात आगे बढ़ी तो जसीम ने शादी का प्रस्ताव रखा। उसने कुछ लोगों को सलमा के परिवार वालों से मिलवाया और बताया कि ये मेरे बड़े भाई और रिश्तेदार हैं। उस मुलाकात के बाद निकाह का दिन भी तय हो गया। तय तिथि के अनुसार जसीम कुछ लोगों के साथ पोखरेरा गांव पहुंचा। हालांकि उसने बताया कि उसके बाबा की तबीयत खराब है, ये लोग उसके रिश्तेदार हैं। दोनों का निकाह हुआ। इस निकाह को मजबूत करने के लिए सलमा समस्तीपुर कोर्ट पहुंची थी, लेकिन ऐन वक्त पर 10-15 लोग और आ गए और जसीम को वहां से लेकर फरार हो गए। बताया गया है कि शादी से पूर्व जसीम ने सलमा के घर वालों से 2 लाख रुपए दहेज की राशि ली थी। माना जा रहा है कि दहेज की राशि लेने के बाद जसीम ने धोखा दे दिया, साजिश के तहत पैसे लेकर वो फरार हो गया। जसीम विभूतिपुर थाना इलाके का रहने वाला है। घरवालों ने घटना की सूचना नगर थाना पुलिस को दी, जिसके बाद मामले की जांच की जा रही है। देशवा न्यूज के लिए समस्तीपुर से केसर खान की रिपोर्ट। सिर्फ खबर दिखाना देशवा न्यूज का मकसद नहीं, देशवा न्यूज की कोशिश है कि समाज की सूरत बदलनी चाहिए। देशवा न्यूज पर वीडियो देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें।